नमस्कार। आज हम बनाएंगे पनीर। ये मैंने दूध लिया है 1 लीटर, फुल क्रीम दूध है ये, और ये 1 नींबू लिया है दूध को फाड़ने के लिए। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। गैस पे चढ़ा के हम इसे पहले गर्म करेंगे तेज़ आंच पे गर्म करेंगे, पर ध्यान देंगे दूध जो है बाहर ना उबाल आए। देखिए दूध हमारा उबल गया है। गैस को बंद कर देंगे हम और दूध को नीचे उतार देंगे। नीचे उतार के फिर हम इसमें नींबू डालेंगे दूध को फाड़ने के लिए। अब हम इसमें ये नींबू का पानी डालेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। इसमें मैंने 1 नींबू निचोड़ के और थोड़ा सा पानी मिला लिया है। इसमें हम थोड़ी मात्रा में मिला के हिलाएंगे इसे, फिर एक और बार डालेंगे, इस तरह हिलाएंगे। देखिए दूध फटना शुरू हो गया हमारा। इसमें अभी और डालेंगे हम, अभी अच्छी तरह नहीं फटा है, बिल्कुल पानी अलग दिखना चाहिए। देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, पानी अलग और पनीर हमारा ये साफ अलग दिखने लग गया है इस तरह से। नींबू हमेशा हमें गैस से नीचे उतार के नींबू डालना है हमें। आप विनेगर भी डाल सकते हैं इसकी जगह। यदि हम उबलते हुए दूध में चूल्हे में ये नींबू डाल देंगे या विनेगर, तो ये हमारा ये पनीर सख्त हो जाता है, इसलिए हमें नीचे उतार के और फिर हमें ये इसमें खटाई डालनी होती है। अब हम इसको गरम गरम में ही छान देंगे। इसके लिए मैंने छन्नी ली है और ये नीचे से ये पानी के लिए एक भगोना ले लिया इस तरह से, और इस पर एक कपड़ा रख देंगे। आप कॉटन का कोई भी कपड़ा, पतला कपड़ा ले लीजिए। मैंने ये ले लिया है किचन टॉवल, मेरे पास ये था। इसको छान लेंगे अब इसके ऊपर रख के डाल के, सॉरी। देखिए पानी निकाल दिया मैंने, ऐसे हमें धोना है अभी। अब हम इसे साफ पानी से 2-3 दफ़े धो देंगे ताकि इसका ये खट्टापन निकल जाए। जो हमने नींबू डाला है इसमें, नींबू का खट्टापन निकल जाएगा सब। पनीर हमारा धुल गया है। देखिए इसको हम कस के निचोड़ेंगे इस तरह से, 1-2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे इसे। चाहे फ्रिज में रख दीजिए आप, चाहे बाहर। इसके ऊपर इस तरह से नीचे एक बर्तन रख के ऊपर एक कोई भारी चीज़ रख के, जैसे चकला रख दो, उसे सेट हो जाएगा जल्दी से। ये पानी को हम गिरेंगे ना, इसको हम पेड़ पौधे में डाल देंगे। ये किचन में भी यूज कर सकते हैं इस पानी को, खाना बनाने में, आटा गूंदने वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से प्लेट नीचे और ये ऐसे भारी चीज़ रख के ये फिर सेट जल्दी से हो जाएगा। आप फ्रिज में रख दो, चाहे भारी रहने दो आप 2 घंटे। आइए देखते हैं खोल के हमारा पनीर सेट हो चुका है कि नहीं। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। देखिए इस तरह से बनाइए। इसे मैंने जल्दी निकाल दिया, फ्रिज में रखा था इसे 2 घंटे से पहले ही। देखे काट के किस तरह बना है। काफी सॉफ्ट है नहीं? ये हमारा 1 लीटर दूध में ये मेरा लगभग ये 100 ग्राम पनीर बन गया है। ये देखिए, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।